हे माई लव्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्पार्कल रोजी मेकओवर। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ये पर्पल हॉलो आई मेकअप, जो बहुत ही डिटेल में होने वाला है। सो बिगनर्स भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं एले गर्ल प्रो कंसीलर लाइट शेड अप्लाई करूंगी पूरे आईलिड पे एंड ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। देन कंसीलर सेट करूंगी ट्रांसलूसेंट और लूज पाउडर के हेल्प से, सो कंसीलर क्रीज ना हो। उसके बाद मॉर्फी एक्स जेम्स चार्ल्स पैलेट से ये दोनों पिंक शेड को मिक्स करके अपने क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करूंगी सर्कुलर मोशन से, बैक एंड फोर्थ टेक्निक के हेल्प से। एंड मैं ये शेड तब तक बिल्डअप करूंगी जब तक मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिल जाए। सेकेंड मैं ये पर्पल शेड को डिपॉजिट करूंगी जहां मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन शेड को प्लेस किया था एंड सेम फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करूंगी पिंक शेड के साथ। एंड एजेस को फोकस करते हुए ब्लेंड करना है सो ब्लेंडिंग इवनली लगे। थर्ड मैं ये डीप पर्पल शेड को प्लेस करूंगी मेरे नेचुरल क्रीज लाइन पे, क्रीज को डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए। सो इसे मैं डिपॉजिट करूंगी एंड साथ ही मैं ब्लेंड भी करूंगी प्रीवियस शेड के साथ। नेक्स्ट मैं लाइट पिंक शेड को अगेन लेकर डीप पर्पल शेड के एजेस को ब्लेंड करूंगी सो लाइन हार्श ना लगे। उसके बाद मैं कंसीलर एंड फ्लैट ब्रश के हेल्प से क्रीज के थोड़े से ऊपर सी पैटर्न पे लाइन ड्रॉ करूंगी हॉलो आई के लिए। देन मैं क्यू टिप पे मिसलर वाटर लेकर सेंटर पार्ट को क्लीन करूंगी सो कंसीलर प्रिसाइसली अप्लाई हो एंड कट क्रीज क्लीन क्रिएट हो। देन मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी जहां तक मुझे हॉलो आई के लिए कट क्रीज चाहिए। नेक्स्ट मैं फिंगर के हेल्प से कंसीलर के एजेस को ब्लेंड करूंगी सो आई शेडो प्रॉपर वे में अप्लाई हो सके। उसके बाद मैं अगेन डीप पर्पल शेड को प्लेस करूंगी कंसीलर के एजेस पे इनर एंड आउटर कॉर्नर पे एंड साथ ही इनर की तरफ ब्लेंड भी करूंगी। नेक्स्ट मैं ब्राइट पिंक शेड को प्लेस करूंगी पर्पल शेड के एजेस पे एंड अच्छे से बिल्ड करूंगी शेड को और साथ ही दोनों शेड के एजेस को ब्लेंड कर लूंगी। सेंटर लिड पे मैं ये लाइट पेल येलो शेड को प्लेस करूंगी स्मॉल फ्लैट ब्रश के हेल्प से, देन पिंक शेड के एजेस के साथ ब्लेंड कर लूंगी इनर एंड आउटर कॉर्नर को। देन मैं सारे शेड को दोबारा बिल्डअप करूंगी अच्छे से। नेक्स्ट डीप पर्पल शेड को लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट कर लूंगी पेंसिल ब्रश के हेल्प से। देन लाइट पिंक शेड से पर्पल शेड को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी सो एजेस हार्श ना लगे। उसके बाद मैं ये शैम्पेन शिमर शेड से ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं लाइनर अप्लाई करूंगी, इसे मैं विंग लाइन ड्रॉ कर लूंगी। देन पैक का न्यूट काजल अप्लाई करूंगी वाटर लाइन पे। देन लैशेस को कर्ल कर लूंगी लैश कर्लर के हेल्प से एंड एसेंस सुपर कर्ल मस्कारा से अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट करूंगी एंड फॉल्स लैश अप्लाई कर लूंगी एंड दिस इज द फिनिश्ड लुक। आई होप आप सभी को ये लुक पसंद आया होगा एंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ मिनी ट्यूटोरियल्स देती रहती हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम इन ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन बाय गाइज़।